ऐसा भी होता है, ठीक है, जो आज आप लोग देखते होंगे कि एक रुपए के बदले, सॉरी एक डॉलर के बदले इतना मतलब पैसा चल रहा है, एक डॉलर बराबर कितना 66 रुपए हो गया, या एक डॉलर बराबर करीब आप ये समझे 70 रुपए हो गया, तो वो होता कैसे है, ठीक है, ये समझना है हमें। तो इसको हमें समझने के लिए हमने आज एक्सचेंज रेट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर हमें जानना है कि विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं। तो विदेशी विनिमय दर विदेशी मुद्रा की क्या है, विदेशी मुद्रा की प्रति इकाई की, विदेशी मुद्रा की प्रति इकाई की घरेलू मुद्रा में कीमत, ठीक है, विदेशी मुद्रा की घरेलू इकाई, विदेशी मुद्रा की प्रति इकाई की, ठीक है, प्रति इकाई की घरेलू मुद्रा में कीमत, मतलब विदेशी मुद्रा की घरेलू इकाई में क्या कीमत है, एक डॉलर बराबर कितने रुपए चल रहा है, ठीक है, उसे विदेशी विनिमय दर कहा जाता है या कहलाता है, विदेशी विनिमय दर कहलाती है, ठीक है। विदेशी विनिमय दर दो देशों की मुद्राओं के विनिमय के अनुपात को व्यक्त करती है, मतलब दो देशों की मुद्राओं के विनिमय के अनुपात को व्यक्त करती है, मतलब कि एक डॉलर बराबर कितना चल रहा है, ठीक है, ये तो जैसे अमेरिका और इंडिया की बात करें कि $1 = इतने रुपीज है, तो दोनों देशों के अनुपात के बारे में बात कर रहा है कि दोनों देशों की मुद्राओं के विनिमय के अनुपात को व्यक्त करती है। कुछ अर्थशास्त्री इसे क्या बोलते हैं, घरेलू करेंसी का बाहरी मूल्य भी कहा जाता है, घरेलू करेंसी का बाहरी मूल्य, मतलब कि अगर उनका एक डॉलर होगा तो हमारे कितने रुपए होंगे, कितनी करेंसी हमें उनको एक डॉलर के बराबर देनी होगी, इसका मतलब ये होगा कि हमारी करेंसी का इतना मूल्य है विदेशों में, ठीक है, और ये भी पता चलेगा कि विदेशी करेंसी का हमारे यहाँ कितना मूल्य है, ठीक, इसीलिए कुछ अर्थशास्त्रियों ने क्या कह दिया इसको, घरेलू करेंसी का बाहरी मूल्य भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे समझ लीजिए कि क्यों कहा जा रहा है, आप उदाहरण के तौर पर $1 = कितना मान लिया जाए कि 50 रुपए चल रहा है, मतलब एक डॉलर बराबर हमारे देश की मुद्रा का मूल्य क्या तय हुआ है, कितना 50 रुपए तय हुआ है, ठीक है, 50 रुपए तय हुआ, ठीक। अभी हम ये जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, विनिमय दर के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की विनिमय दर होती है। तो यहाँ बेसिकली हम तीन तरीके की विनिमय दर की बात करेंगे। पहला होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, मतलब हिंदी में इसको कहेंगे नाममात्र विनिमय दर। ये हम जनरली इसकी बात करते हैं चालू कीमतों पर आधारित होता है। दो तरीके की कीमत होती है, जब आप राष्ट्रीय आय पढ़े होंगे तो आपने ये देखा होगा कि चालू कीमतें क्या होती है और स्थिर कीमतें क्या होती है, मतलब स्थिर कीमतों पर हम राष्ट्रीय आय का निर्धारण मतलब इनकम को निकालते हैं और चालू कीमतों पर भी हम इनकम को निकालते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम देखते हैं कि चालू कीमत है जो अभी चल रही है, करंट प्राइसेस, ठीक है, और दूसरा होता है, एक होता है कांस्टेंट प्राइसेस, मतलब स्थिर कीमत है, उसमें एक सर्टेन आधार वर्ष होता है। आधार वर्ष आप लोग, चूंकि जब हम इन्फ्लेशन रेट देखते हैं तो बेस ईयर डिसाइड किया जाता है, ठीक है, तो बेस ईयर क्या चल रहा है उसमें, तो बेस ईयर के आधार पर इतना ये आधार वर्ष होगा, उसके आधार पर हमने इन्फ्लेशन रेट तय किया जा रहा है, ठीक है। जैसे अभी इन्फ्लेशन सॉरी बेस ईयर क्या है, 11-12 चल रहा है, इसको रिवाइज करके गवर्नमेंट करना चाहती है 16-17 करना चाहती है, ठीक है। अभी इस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है इस पर कि बेस ईयर को रिवाइज किया जाए, ये अलग का विषय है, तो इस पर किसी और दिन एक लेक्चर होगा, उस पर बात करेंगे। दूसरा होता है कि नाममात्र प्रभावी विनिमय दर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नीर कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये चालू कीमतों पर तथा विदेशी मुद्रा की औसत मात्राओं के ऊपर इसको निकाला जाता है। इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि अब मैंने ये प्लान किया है जो भी मेरा लेक्चर रहेगा उस लेक्चर का एक सिनॉप्सिस आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे चलते हैं उनके माध्यम से, अलीगढ़, सहारनपुर और नजीराबाद, इन सबको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको सारे सिनॉप्सिस अवेलेबल हो जाएंगे, उनका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। मैं जो हैंड रिटन अपना नोट्स बनाता हूँ और जो सिनॉप्सिस तैयार करता हूँ इसको आपको पढ़ाने के लिए, तो वही पूरा का पूरा आपको अवेलेबल होगा और आप उसी को कुछ नहीं करेंगे, उतना ही कर लेंगे
कि उस सिनॉप्सिस को लेकर के अपनी हैंड राइटिंग में अपना एक नोट्स उतार से चले जाएंगे, ठीक है। ऐसा करेंगे और ऐसी मैं उम्मीद भी करता हूँ आप लोगों से और आप ऐसा करेंगे भी। और जब भी आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते हो, मैं पढ़ रहा हूँ, काफी लोग अच्छा भी लिखते हैं, ठीक है। कई बार कोई क्वेरीज होती हैं आप उनको भी भेजिए। दूसरा, आप अगर अच्छा लगता है तो यार लाइक भी करिए, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, ठीक है। तो मुझे मैसेज जरूर मिलता रहे जिससे कि मुझे ये पता चलता रहे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए हम अपने विषय पर वापस आते हैं। तो तीसरा क्या है, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रीर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या है, स्थिर कीमतों पर देसी मुद्राओं की, स्थिर कीमतों कांस्टेंट प्राइस की बात कर रहा है, स्थिर कीमतों पर देसी मुद्राओं की इकाई की मात्रा के बदले, इकाई की मात्रा के बदले प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा, हम अपने देश की मुद्रा की इकाई की मात्रा के बदले जो प्राप्त की गई विदेशी मुद्राओं की मात्रा का औसत मूल्य होता है। क्या होता है, औसत मूल्य को, औसत मात्राओं को ही क्या कहना है, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर कहते हैं। इन तीनों के बारे में और डिटेल मेरे सिनॉप्सिस में आपको मिल जाएगा, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो दूसरा अब इसमें आता है कि परिवर्तनशील या तैरती विनिमय दर प्रणाली। परिवर्तनशील का मतलब वेरिएबल है, सॉरी वेरिएबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से क्या तात्पर्य होता है, परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली, मैं इसको रफ कर देता हूं और आपको इसका सिनॉप्सिस मिल जाएगा, ठीक है। परिवर्तन की जो विनिमय दर प्रणाली होती है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं बेसिकली उसको। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि जब विनिमय दरों का निर्धारण बाजारी शक्तियों के द्वारा होता है, बाजारी शक्तियों का मतलब क्या होता है, बाजारी शक्तियां क्या होती है, मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई के माध्यम से, जब बाजारी शक्तियों के माध्यम से एक्सचेंज रेट का निर्धारण होता है, उसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं, ठीक है। फ्लोट उतार चढ़ाव आता रहता है, ठीक है, बाजारी शक्तियों के द्वारा किया जाता है, तो उसे उतार चढ़ाव आता रहता है। इसमें जब उतार चढ़ाव आ रहा है, ऐसी स्थिति को एप्रिसिएशन ऑफ द रुपीज कहेंगे और डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपीज कहेंगे। मतलब मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि, डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपीज मूल्यह्रास, एप्रिसिएशन ऑफ द रुपीज मूल्य प्रसार, मतलब मूल्य में वृद्धि, ठीक है। अब मूल्य में वृद्धि किसके, करेंसी के मूल्य में वृद्धि, उस अपनी देश की मुद्रा के मूल्य में वृद्धि या कमी, ठीक है। ह्रास का मतलब कमी, जैसे डेवल्यूशन में हम कर रहे थे कि डेवल्यूशन की जो बात हुई थी, अवमूल्यन की जब बात हुई थी, तो अवमूल्यन अपने देश की मुद्रा का मूल्य क्या किया गया था, कम किया गया था, ठीक है। अब ये सरकार के द्वारा ऐसा किया गया, लेकिन इस केस में परिवर्तनशील जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, इस केस में क्या होता है, बाजारी शक्तियों के माध्यम से हमारे देश की मुद्रा का मूल्य तय होता है, ठीक है। बाजारी शक्तियों के माध्यम से हमारे देश की मुद्रा का मूल्य तय होता है, इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भारत में सन 1993 में मतलब इसको परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अपनाई गई, ठीक है। परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अपनाई गई, जिसका अर्थ है कि विनिमय दर का निर्धारण बाजारी शक्तियों के अर्थात मांग और आपूर्ति के द्वारा होता है, परंतु बहुत अधिक फ्लोटिंग मतलब इसमें फ्लक्चुएशन आने पर, ठीक है, तो आरबीआई इसमें क्या करता है, हस्तक्षेप करता है और उसकी खरीद और बिक्री करके सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास करता है। मतलब क्रैन ब्रेक मतलब सेल एंड परचेज करके उसको कहां लाना चाहता है, सामान्य स्तर पर लाना चाहता है। कहने का मतलब इसमें हस्तक्षेप किसका होगा, लास्ट में अगर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं तो किसका होगा, आरबीआई का होगा, और फिर जो सामान्य स्तर पर लाने की प्रक्रिया अवमूल्यन में आ जाती है, ठीक है, जब सरकार का हस्तक्षेप उसमें हो जाता है, ठीक है। दो इसमें लास्ट एक और चीज होती है, क्या लिबरलाइज एक्सचेंज रेट सिस्टम। लिबरलाइज का मतलब एक्सचेंज रेट सिस्टम, उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली। लिबरलाइज एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब होता है जहां एक तरीके से
ये कहेंगे भारत में जो सिस्टम चल रहा है वो यही चल रहा है, कौन सा? लिबरलाइज एक्सचेंज रेट सिस्टम। अभी मैं इसको आप बताता हूं, लिबरलाइज एक्सचेंज रेट सिस्टम। लिबरलाइज एक्सचेंज रेट सिस्टम उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली क्या है? उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली, इसको लिबरलाइज लिबरलाइज एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या है, इसको कहा जाए भारत जनरली जो प्रक्रिया हमारे देश में अपनाई जाती है वो यही है, क्या है? लिबरलाइज एक्सचेंज रेट सिस्टम प्रणाली। ये इसे ड्वेल एक्सचेंज मतलब भारत में ड्वेल एक्सचेंज रेट कह सकते हैं, ड्वेल एक्सचेंज रेट सिस्टम या सॉरी ड्वेल एक्सचेंज रेट, ठीक है। ड्वेल एक्सचेंज रेट से मतलब क्या है कि दो विनिमय दर होती है, दो विनिमय दर क्या, एक आधिकारिक विनिमय दर होती है और दूसरी बाजार विनिमय दर होती है। आधिकारिक विनिमय दर क्या होती है? आधिकारिक विनिमय दर सरकार या आरबीआई के द्वारा, सरकार या आरबीआई के द्वारा निर्धारित होती है, सरकार या आरबीआई के द्वारा निर्धारित होती है। और दूसरी क्या होती है? बाजार आधारित होती है, जो अभी मैंने कहा था फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की जो बात कही थी वो बाजार आधारित होती है, जो मांग और पूर्ति के द्वारा उसका विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर प्रणाली अंततः वही आधिकारिक प्रणाली होती है, लास्ट में वही आधिकारिक विनिमय दर प्रणाली होती है, ठीक है। अभी हम अब ये देखेंगे कि विनिमय दरों का निर्धारण किस तरीके से होता है। जो सरकार के द्वारा निर्धारण होता है, एक तो क्या हो गया कि थ्रू मार्केट, क्या हो गया, मार्केट फोर्सेस के थ्रू। मार्केट में सोर्सेस क्या है, क्या मार्केट फोर्सेस, मार्केट में फोर्सेस क्या होते हैं? दो ही तो फोर्स होता है भाई, क्या होता है? पहला डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति। अब इन्हीं यही तो बाजारी शक्तियां हैं, ठीक है। कोई शक्ति निर्बल होती है, कोई प्रबल होती है, एक कमजोर होगा तो दूसरा मजबूत होगा। अब इन दोनों शक्तियों के बीच में कहीं ना कहीं जब इंटर सेट होती हैं, ठीक है, तो बाजारी मूल्यों का निर्धारण होता है, मतलब एक्सचेंज रेट का निर्धारण होता है। तो अभी मैं यहां बताने वाला हूं एक्सचेंज रेट का निर्धारण किस तरीके से होता है। तो आप ये देखिए कि डिटरमिनेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इसी प्रणाली के अंदर है सब, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं तो बाद में आरबीआई या भारत सरकार इसको करती है। डिटरमिनेशन मतलब निर्धारण किसका, डिटरमिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल क्या है, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, रेट ऑफ एक्सचेंज फ्लेक्सिबल है ना, फ्लेक्सिबल क्या समझते हो, मतलब जिसमें चेंज हो सकता है, ठीक है। अब वो मार्केट फोर्सेस क्या है, अब दोनों मार्केट फोर्सेस लेके आने होंगे, आप समझिएगा इसको। और बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, मैं प्रयास करता हूं कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए उसको डायग्राम के द्वारा कनेक्ट किया जाए, जिससे कि आप लोगों को क्वेरी ना हो पाए। ये डिमांड है, डीडी कर्व होता है, और ये सप्लाई कर्व होता है, ठीक है, सप्लाई कर्व, आपूर्ति वक्र होता है। यहां एक्स एक्सिस पर क्या आना है, फॉरेन करेंसी का डिमांड एंड सप्लाई,
दोनों आ रहा है ना, डिमांड एंड सप्लाई। और इधर क्या आएगा, इसका एक्सचेंज रेट है, ठीक है, प्राइस बोल सकते हैं, प्राइस इन यूएस डॉलर, ठीक है। अब कीमतों का निर्धारण एक्सचेंज रेट का कहां होगा, जहां दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं इस बिंदु पर, ठीक है। ये हमने पॉइंट रख दिया ई और ये हमने रख दिया क्यू, ओके। इतनी मात्रा, इतनी मात्रा और इसका निर्धारण कहां हो रहा है, और यहां एक हमने पॉइंट दे दिया आर। ये कीमत है इतना, हमारे देश की मुद्रा का मूल्य क्या निर्धारित हुआ, इतना निर्धारित हुआ, ठीक है, और इतनी मात्रा उसकी, ठीक है, इस बिंदु पर निर्धारित हुआ। अगर अब ये सोचिए कि इसमें कोई सप्लाई सॉरी उसमें कोई चेंज आता है तो कैसे आएगा, अगर यहां रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाता है, फर्ज करें कि रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाता है, विनिमय दर अगर ये बढ़ रही है, तो आप ये देखिए ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा जो कर्व है नीचे की तरफ, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा, तो आप इसको ऐसे मिला के देख लीजिए, ठीक है, तो ऐसे जाएगा, ठीक, ये ठीक थोड़ा सा सही कर, ये यहां तो हमने बढ़ा के देख लिया और यहां हमने जहां इसको क्रॉस कर रहा है इसको मिला दीजिए, ये भी ये जो आएगा थोड़ा सा कर हो गया, इससे ही मिलेगा, ठीक है, तो ये R2 हो गया। और आप ये देखिए ये पहले क्या है, ये वन हो गया, N हो गया, M हो गया। अब क्या आप लोग समझते हैं रिलेशन क्या है, डिमांड और कीमत के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, आप बिल्कुल बात समझते हैं, ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि वस्तु कीमत और वस्तु की मात्रा के बीच में नकारात्मक संबंध होता है अन्य बातों के समान रहते हुए, ये मान का नियम ही सीधा, ठीक है। तो यहां देख लें डीडी कर्व क्या है, डीडी कर्व है डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, ठीक है, और ये एसएस क्या है, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, जहां हम कितनी हम आपूर्ति करने के कितनी हम मांग कर रहे हैं और दूसरा कंट्री उसकी कितनी आपूर्ति करने के लिए तैयार है, ठीक है, उसी के द्वारा इस पॉइंट पर कीमतों का निर्धारण क्या हो रहा है। ई पॉइंट क्या है, ई पॉइंट क्या है, संतुलन बिंदु है, कैसा बिंदु है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, वेयर द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी आर इंटरसेक्ट टू द ईच अदर, ठीक है, जिस पॉइंट पर मांग और आपूर्ति किसकी मांग मतलब विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की आपूर्ति जिस बिंदु पर क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहां क्या होता है, विनिमय दरों का निर्धारण होता है, ठीक है। अब ये सोचिए, अभी मोमेंट मैं दिखाता हूं आपको, इसका मोमेंट क्या है, अगर पहले ई पॉइंट से अगर क्या यदि वो करता है क्या ओ आर से ओ आर टू क्या करेगा, ओ आर वन करता है, ओ आर से यहां से ओ आर वन मतलब वो प्राइस उसका रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ जा रहा है, तो बढ़े हुए कीमतों पर क्या होगा, डिमांड तो वो कंट्री कम करेगा, अगर ये ऐसे समझ लीजिए बढ़ी हुई कीमतों पर आप आलू ज्यादा खरीदेंगे कम खरीदेंगे, इसलिए डिमांड कितना कम हो जा रहा है, ओ क्यू से ओ एम हो जा रहा है, यहां आ गया है ना डिमांड, ठीक है, इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो डिमांड कम होगा और इस पॉइंट पे सप्लाई आपका ज्यादा होगा, सप्लाई ओ क्यू से कितना हो जाएगा, ओ एन हो जाएगा, ठीक है, सप्लाई वो ज्यादा करने जिसकी कीमतें ज्यादा मिलेगी तो वो कंट्री अपने देश की मुद्रा को या देश के प्रोडक्ट को क्या करेगा, ज्यादा सेल करेगा ना, ज्यादा आपूर्ति करने को तैयार होगा, इसीलिए सप्लाई उसका बढ़ रहा है। अब इसका उल्टा देख लीजिए आप लोग, उल्टा क्या देख लें कि यदि क्या हो जाए, एक्सचेंज रेट कम हो जाए मतलब दर कम हो जाए, उसका कीमत कम हो जाए, तो कीमत कम कीमतों पर क्या देखेंगे हम, क्या देखने को मिलेगा, कम कीमतों पर आप अपने आज या तो यह प्रोडक्ट से एकदम कनेक्ट किया जा सकता है,
और आप अपने प्रोडक्ट को कम आपूर्ति करने के लिए तैयार होंगे, तो आपने इससे इतना अमाउंट कम कर दिया। पहले आप कितना आपूर्ति कर रहे थे, ओ एन मात्रा, कितना आपूर्ति कर रहे थे अपने देश की मुद्रा का, कितना आपूर्ति करने को तैयार थे, मतलब विदेशी मुद्रा का कितना आपूर्ति करने को तैयार था, वो ओ एन, ठीक है। और अब जब आर टू हो जा रहा है, मतलब एक्सचेंज रेट कम हो गया, तो अब कितना आपूर्ति करने को तैयार है, ओ एम मात्रा। लेकिन आप ये सोचिए कि वो दूसरा कंट्री कम कीमतों पर, कम जब एक्सचेंज रेट कम हो गया है, तो क्या दूसरा कंट्री डिमांड पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो आप ये समझ लें कि बिल्कुल पड़ेगा। अब पहले कितना डिमांड हो रहा था, ओ एम जब यहां था, अब क्या हो जा रहा है कि जब कीमतें उसकी कम हो गई, रेट ऑफ एक्सचेंज डाउन हो गया, तो क्या हुआ, ओ ये ओ एम से कितना बढ़ गया, ओ एन मात्रा। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीज होगा ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस, फॉल इन द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट के घट जाने के कारण विदेशी मुद्रा की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो कि ओ एन मात्रा पे आ गया है। इन सब का सिनॉप्सिस आपको अवेलेबल होगा, विद पीडीएफ होगा, ठीक है, आप इस बात को भी समझ लीजिएगा, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ एक्सचेंज इज द फंक्शन ऑफ किसका, डिमांड एंड सप्लाई, ये समझ लो आप, रेट ऑफ एक्सचेंज इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, किसका फंक्शन है, वो फॉरेन करेंसी, ठीक है। जैसे हम ये कहते थे डिमांड इज द फंक्शन ऑफ पी, किसका फंक्शन था, पी, मांग क्या है, किसके ऊपर थी, किसके साथ कार्य करते, कीमत के साथ। जब कीमत बढ़ जाएगी तो आप लोग डिमांड कम करोगे ना, और जब कीमत घट जाती है तो हम डिमांड फॉर गुड्स ज्यादा करते हैं, क्योंकि उसका परचेजिंग पावर बढ़ जाता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नॉमिनल इनकम वही होता है लेकिन रियल इनकम उसका बढ़ जाता है। जैसे पहले 100 रुपए में आप 10 किलो आलू लेते थे, जब 10 रुपए किलो उसका कीमत चलता था, ठीक है, और यदि अब आलू का कीमत घट करके 5 रुपए केजी हो जाए, तो आप 100 रुपए में कितना आलू लेंगे, 20 केजी लेंगे ना। तो क्या हुआ, नॉमिनल इनकम ऑफ द रुपीज वही सेम 100 रुपीज था, नॉमिनल तो वही था, प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ द रुपीज 100 ही लिखा है ना, लेकिन क्या हो गया, ड्यू टू द इंक्रीज इन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मतलब उसकी क्रय शक्ति बढ़ गई, इसीलिए वास्तविक आय में वृद्धि हुई उसकी, ठीक है। इसलिए ये डिमांड का फंक्शन होता है, और ये रेट ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन क्या होगा, जब हम दोनों चीजें विद्यमान हो जाएंगी, ठीक। अब यदि सोचते हैं हम असंतुलन की स्थिति है, कैसे असंतुलन की स्थिति होगी, तो आप इसको भी एक डायग्राम से देखेंगे, अलग अलग डायग्राम दोनों का, ठीक है। देखें, हम ये समझ लेते हैं, एंड इंक्रीज इन द डिमांड, अगर मांग में वृद्धि हो जाती है तो एक्सचेंज रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, इसका मतलब है डिसइक्विलिब्रियम इन एक्सचेंज रेट, असंतुलन की स्थिति आ जाएगी, इक्विलिब्रियम संतुलन, मतलब सॉरी संतुलन की अवस्था में तो नहीं होगा ना। तो हम ये मान लेते हैं कि इंक्रीज, पहला क्या पॉइंट कर लें, एंड इंक्रीज इन एंड इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, मांग में वृद्धि हो जाए, किसकी, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी में वृद्धि हो जाए, तब क्या स्थिति होगी, तो आप विद डायग्राम इसको देख लीजिए कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यहां डिमांड एंड सप्लाई दोनों होगा, ठीक है, नोट करिएगा, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी, ये कह सकते हैं कि यूएस डॉलर, मान लेते हैं यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहां आ जाएगा प्राइस इन इंडियन रुपीज में, प्राइस आरएस, बेसिकली डॉलर की बात कर रहे हैं तो डॉलर में देखेंगे, ठीक है, कीमत क्या है, ठीक है। तो ये सप्लाई कर्व होता है, सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी, ठीक है, और ये हमारा डिमांड कर्व होता है, डीडी, ठीक है, डिमांड फॉर
यूएस डॉलर, सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर, ठीक है, ये समझना होगा। अब हम ये कहें कि डिमांड बढ़ जाता है किसका, यूएस डॉलर का डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी अगर यदि बढ़ता है, पहला तो अभी यहां निर्धारण हो रहा है, ये समझे क्या समझे, ये देखो यहां इतना निर्धारण हुआ क्योंकि थ्रू द मार्केट फोर्सेस, दोनों चीजें आपने देखी, मैंने मार्केट फोर्सेस के बारे में पहले बता दिया आपको, ठीक, ये क्यू है, अब मार्केट फोर्सेस के थ्रू ये एक्सचेंज रेट का निर्धारण हो गया। अब आप ये देखेंगे कि अगर डिमांड में वृद्धि होता है, इंक्रीजिंग इन डिमांड, तो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या संतुलन कहां स्थापित होगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा, ठीक, वही हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। बट देयर इज नो चेंज इन सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व में कोई चेंज नहीं कर रहा है, देखिए आप यहां सेम सप्लाई कर्व पर हमने दूसरा डिमांड कर्व डाल दिया है, ठीक है, क्यू से क्यू बन आ गया, ठीक है, ये क्यू है और ये क्यू बन हो गया, ठीक है, अगर पॉइंट देंगे हम तो यहां तो ई बन हम एक पॉइंट दे सकते, तो ऐसे स्थिति में क्या कहा जा सकता है कि एक तो क्या है, इसको फॉरवर्ड शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व भी बोलते हैं, फॉरवर्ड शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व भी बोलते हैं, जब यूएस डॉलर की मांग बढ़ती है तो मांग वृद्धि होती है, तो यूएस की डॉलर की जो मुद्रा होगी वो क्या होगी, एप्रिसिएशन ऑफ द रुपीज होगा, एप्रिसिएशन ऑफ द रुपीज कब होता है, एप्रिसिएशन ऑफ द रुपीज कब होता है कि अभी यहां 38 रुपए के हिसाब से चल रहा है, मतलब $1 इज इक्वल टू, हमने ये मान लिया $1, $1 की क्या कीमत चल रही है, 38 रुपए चल रही है, अब अगर क्या हो जाए कि $1 बराबर कितना 40 रुपए हो जाए, क्या हो जाए 40 रुपए, डॉलर तो एक ही है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश की मुद्रा का मूल्य क्या हो रहा है, हमारे देश की मुद्रा का मूल्य क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, और उनके देश की मुद्रा का मूल्य क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है, मूल्य प्रसार हो रहा है, मूल्य प्रसार हो रहा है ना, विनिमय प्रसार हो रहा है, मतलब उसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है, जब वृद्धि हो रही है तो ऐसी स्थिति एप्रिसिएशन ऑफ द रुपीज, सॉरी एप्रिसिएशन इन डॉलर होगा और डेप्रिसिएशन इन रुपीज होगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन इन रुपीज होगा। तो आप ये देखिए इस केस में जब ये हो जाएगा तो आगे जब हम ये देखेंगे कि एक तो मांग के बढ़ जाने से एक्सचेंज रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, अभी $1 इज इक्वल टू कितना 38 रुपए, अब क्या है कि क्या हो जा रहा है 40 रुपए, पहले हमें 38 मिल रहा था अब हमें 40 मिलेगा, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मतलब हमारी मुद्रा का क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, मूल्यह्रास हुआ, ठीक है, ये थोड़ा अलग एंगल से सोचना पड़ता है। आप ये सोच रहे होंगे कि मूल्यह्रास कैसे हो गया कि यहां 38 रुपए दे रहे थे अब तो हमें 2 रुपए ज्यादा मिलेगा, 40 हो जा रहा है, ये ही तो डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपीज है, ठीक है, ये किसके थ्रू हो रहा है, बाजारी शक्तियों के द्वारा, और अमूल्यन किसके द्वारा हो रहा था, ये ऐसा किसके द्वारा हुआ था, वो सरकार के द्वारा हुआ था, ठीक है। अभी अब दोबारा से हम ये देखें, अगर इसमें फॉरेन सप्लाई में यदि कोई चेंज होता है, मतलब हम ये कहें कि अभी तो हमने डिमांड में चेंज किया था, अभी हम ये कह दें देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी, अब विदेशी करेंसी की यदि सप्लाई बढ़ जाती है तब क्या होगा, ठीक है, तो उसका ये डायग्राम दूसरा होगा है? तो अभी ये कह सकते हैं देयर इज इंक्रीजिंग इन या इंपैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, हम ये कह दें कि इंक्रीजिंग इन
सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो वही वो सब आएगा डिमांड फॉर डॉलर, ठीक, और सप्लाई ऑफ डॉलर, ठीक। इस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यहां होगा वही सब आप लोग लिख लेंगे इसमें, ठीक है। यहां क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर, ठीक है। और यहां ये कोई पॉइंट आप दे सकते हैं, क्यू है, ठीक। और अभी हम क्या कह रहे हैं, देयर इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई में यदि वृद्धि होता है, सप्लाई किधर बढ़ेगा, फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगा, तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग हमेशा राइट हैंड की तरफ जाता है, राइट वर्ड शिफ्टिंग भी बोल सकते हैं, फॉरवर्ड शिफ्टिंग इज नोन एज राइट वर्ड शिफ्टिंग, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ ये डॉलर है, बढ़ा दिया हमने, ठीक, इस पॉइंट पे आ जाएगा। यहां से ये वाला पॉइंट आप डाल लीजिए, ये आर है, ये आर वन, ठीक, क्यू है और क्यू वन है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि पहले अभी विदेशों में क्या हो रहा है, उसकी कीमतें क्या हो जा रही है, जब कम हो जाती है, ये कह रहा है एक्सचेंज रेट मतलब कम हो रहा है, तो हम ये कहेंगे क्या हो जा रहा है कि अभी तो हमने आपको बताया था 40 कितना 38 से 40 हो जा रहा था, 38 से 40 हो जा रहा था, तो इसको डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज कहा गया। और अगर इसको क्या हो जाए 40 से 38 हो जाए, 40 के बजाय 38 हो जाए, तो क्या होगा कि हमारे देश की मुद्रा विदेशों में जाके क्या हो रही है, मजबूत हो रही है, ठीक है। तो उसको फौरी तौर पे ये बोल सकते हैं कि जब विदेशों में घरेलू मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, विदेशों में घरेलू मुद्रा का मूल्य क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो जाता है, तो घरेलू मुद्रा क्या होगी, वहां ज्यादा मजबूत हो, वैल्यूएबल हो जाती है, मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है, किसमें, विदेशों में, और उससे मतलब उस देश की मुद्रा को क्या मिलता है, वैल्यू ज्यादा मिल जाती है, हैं उसका। अब ये देखो 38 रुपए हम पहले ट्रेड करना रहता था उनको, अब क्या है, अब ये इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि एक डॉलर में 40 रुपए था और वहां के टमाटर की कीमत क्या चल रही थी, 40 रुपए किलो चल रही थी। अब अगर यदि हमारे देश की मुद्रा का क्या हो जाए, एप्रिसिएशन ऑफ द रुपीज हो जाए, मतलब मुद्रा के जो मूल्य में तो कमी आ जाए, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या हो जाए, वो उसके मुद्रा में क्या स्थिति क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, तो क्या होगा कि जो पहले 40 रुपए टमाटर खरीदने के लिए देते थे, या अमेरिका के लोग अमेरिका में 40 रुपए में खरीदते थे, और वो 38 रुपए में खरीदेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन था, जो एक्सपोर्टर है हमारा, जो निर्यात करता है, वो हतोत्साहित होगा, उसको पहले की अपेक्षा क्या होगा, कम पैसा रिसीव होगा इंडिया में, ठीक है। इसीलिए ज्यादा अगर एप्रिसिएशन हमेशा हार्मफुल होता है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि वहां कैपिटल इनफ्लो ऑफ कैपिटल होगा, कम होगा, और पहले की अपेक्षा, जो कि इस केस में इनफ्लो ऑफ कैपिटल ज्यादा हो रहा था और इस केस में इनफ्लो ऑफ कैपिटल कम होगा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट यहां ज्यादा होगा और करंट और यहां हमारा कम होगा, मतलब बीओपी यहां फेवरेबल होगा, बीओपी यहां अंगेस्ट होगा, ठीक है, अनफेवरेबल होगा। इसीलिए कहा जाता है कि डेप्रिसिएशन हमेशा लगभग फायदेमंद होता है, अप्रिसिएशन ऑफ रुपीज उतना फायदेमंद नहीं होता है। जनरली आप देखते होंगे कि मुद्राओं का अवमूल्यन इसलिए किया जाता है निर्यातों को बढ़ावा दिया जाए और जो असंतुलित बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको अपना संतुलित किया जाए। आज के लेक्चर में बस इतना ही रहेगा और आगे नहीं है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर सही लगा होगा, और दूसरा यह है कि इसका एक पीडीएफ आपको अलग से अवेलेबल होगा, मिल जाएगा, सारे जो सिनॉप्सिस बनाए गए हैं, ठीक है, वो भी आपको अवेलेबल होते रहेंगे। दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण ये करनी है, थोड़ा सा वीडियो डिले हो जा रहा है या एक आध दिन बाद आ रहा है, लेकिन मैं उम्मीद ये करूंगा जो भी सिनॉप्सिस आपको अवेलेबल कराया जा रहा है ग्रुप पे, आज से
कराया जाएगा, उसका प्रॉपर नोट्स बना करके प्लीज ग्रुप में डालिएगा, जिससे कि आदरणीय पंकज सर भी उसको देखते रहें। और सर ने कल कहा भी है, सबको सर ने मैसेज दिया है, वो भी अपना वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और लगातार अपना पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।